अस्सलाम वालेकुम। ये कोरोना वायरस की जो वबा जिसको कोविड-19 कहते हैं, एक ग्लोबल इमरजेंसी में तब्दील हो चुकी है और WHO ने इसको पेंडेमिक करार दे दिया है और हमारा मुल्क भी उससे महफूज नहीं रहा और पाकिस्तान में भी एक इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी क्रिएट हो गई है। जैसे ही पहला मरीज़ एक डिटेक्ट हुआ 26 फरवरी को, उसके फ़ौरन बाद 12 घंटे के अंदर सिंध गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर ने सुबह 1-9 बजे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जिसमें इंडस हॉस्पिटल को और आगा खान को, तमाम लोगों को, स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। एक ऐसी इमरजेंसी है जिसमें अगर हम सब ने मिल के काम नहीं किया तो ये वबा बहुत जल्दी फैल जाएगी। इसका काम प्रिवेंशन है, उसके ऊपर काफ़ी एग्रेसिवली काम किया और फौरन उसी मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब ने इंडस हॉस्पिटल से उससे कहा कि जी, एक 300 मिलियन रुपीज़ उन्होंने सेंक्शन किए एज अ ग्रांट कि हम फौरी दो हॉस्पिटल को तैयार करें, एक को क्वारंटाइन करें, एक को आइसोलेशन करें। इसके अलावा 10,000 टेस्ट की किट्स को बुला मंगाई मंगाए जाएँ। और अभी लास्टली इसके अलावा उन्होंने ये भी किया कि ये सारे टेस्ट मुफ्त फराहम किए जाएंगे और सिंध गवर्नमेंट के फंड से ये क्रिएट हुआ, जिसमें से ये किटें इंडस हॉस्पिटल के अंदर, द आगा खान हॉस्पिटल के अंदर और उसके अंदर द ओजा सेंटर, द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के लैब में प्रोवाइड की गई। चैलेंज इतना बड़ा है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए अब ये सिंध गवर्नमेंट ने कल 3 बिलियन रुपीज़ और रिलीज़ किए हैं ताकि हम पूरी इफ़ेक्टिवली काम करके, इसके लिए चाहे वेंटिलेटर्स की ज़रूरत हो, चाहे और मज़ीद हॉस्पिटल्स जो हैं उनको क्रिएट किया जाए और क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे। इंशाल्लाह हम सब मिलकर, तमाम सेक्टर मिलकर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और यकीनन मीडिया का भी रोल इसके अंदर है ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो। मेरी दुआ है कि हम सब मिलकर, तमाम सेक्टर मिलकर, एक टीम होकर काम करें और इस वबा से जान छुड़ाएं। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाएं।